धार जिले के मनावर में दूसरे सफल वर्ष में मुस्लिम शाह कमेटी द्वारा 14 जोड़ों का निकाह विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर शहर काजी डॉक्टर जमील सिद्दीकी ने कहा कि फिजूल खर्ची को रोकने के लिए यह एक अच्छी पहल है। सामूहिक विवाह में गरीब अमीर परिवार के सभी आसानी से शादी कर सकते हैं। बैंड बाजे डीजे की मनादी के साथ इस्लामी तरीके से 14 जोड़ों ने, जी हाँ मुझे कबूल है, निकाह की रस्म अदा की। मौलाना कासिम कादरी ने कहा कि शरीयत इस्लामिक आइडियोलॉजी के हिसाब से सम्मेलन की शादी का महत्व बढ़ जाता है। इस महंगाई के दौर में सभी एक जगह जमा होकर सहूलियत के साथ सम्मेलन में सभी रिश्तेदार शरीक हो जाते हैं। मनावर से लोकेन जाधव की रिपोर्ट। आपका तारुफ? जी मैं काजी डॉक्टर जमीलुल्लाह सिद्दीकी, शहर काजी मनावर। आज सम्मेलन में कितने जोड़ों का निकाह हुआ? आज सम्मेलन में 14 जोड़ों का निकाह हुआ है और ये मुस्लिम शाह बिरादरी की तरफ से प्रोग्राम रखा गया था, जिसके जिम्मेदार हमारे बब्बू भाई शाह हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है और इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं यही एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इसी तरह से शादी की जो तकरीब होती है उसको आसान बनाया जाए, निकाह को आसान बनाया जाए, ताकि जो हमारी गरीब बच्चियाँ हैं उनका भी बआसानी निकाह हो सके और सुन्नत तरीके पे और ख़ामोशी के साथ, बिना ढोल तमाशे के साथ शादी की तकरीब को अंजाम दिया जाए। जोड़े मकामी हैं या पूरे इंदौर संभाग के हैं? नहीं, ये पूरे इंदौर संभाग के हैं, दूसरी जगह के भी लोग यहाँ पर हैं और इसमें सभी बिरादरी के लोग जोड़े मौजूद हैं। रखा और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बब्बू भाई शाह का और मुस्लिम शाह का। मैं मोहम्मद कासिम अल कादरी, खतीब व इमाम, मरकज अहल सुन्नत जामा मस्जिद मनावर से। सभी जोड़ों का निकाह आपने ही पढ़ाया? जी, मैंने 10 जोड़ों का निकाह पढ़ाया है और 4 एक हमारे आलेदा और हैं, उन्होंने पढ़ाया। फिजूल खर्ची को रोक के कौम ने ये शुरुआत की है, खास करके शाह बिरादरी ने, तो आप शाह बिरादरी के अलावा आल आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन सबको यही मैसेज और पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे मोहतरम आली जनाब बब्बू भाई शाह ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम है और इस कदम से दूसरी बरादरी के मुस्लिम समाज के लोगों को पैगाम और नसीहत हासिल करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जितना भी हो सके निकाह को आसान किया जाए, गैर शरई रसूमात से बचा जाए, फजूल खर्ची से बचा जाए, यही हमारा इस्लाम कहता है और यही हमारा मजहब कहता है। शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के बारे में बताएंगे क्या है? आज इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम हुआ बब्बू भाई की जानिब से, मुस्लिम शाह जमात की जानिब से, और अल्हम्दुलिल्लाह काबिले तारीफ प्रोग्राम रहा जिसमें 14 जोड़े ने शिरकत की और 14 निकाह हुए। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा जनाब बब्बू भाई की जानिब से। ये जो सम्मेलन हुआ इसमें आप कौम को कोई आदेश देना चाहोगे? कौम को ये आदेश दिया गया तमाम जिम्मेदारान की जानिब से कि निकाह को आसान किया जाए और जो भी मुख्तसर में काम को अंजाम दिया जाए ताकि हमारा काम निकाह का सरल होता जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।